इस समय मेरे साथ है इंडियन टेलीविजन के एक ऐसे किरदार जिन्होंने भले ही ग्रे शेड बड़े पर्दा छोटे पर्दे पर निभाया हो, लेकिन उनको प्यार जो है वो बहुत सारा मिला। वेलकम टू फिल्म इंडो सुधांशु, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच हिना. थैंक यू थैंक यू. आई एम ग्रेट. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू, माय प्लेजर सर। जैसे कि मैंने कहा कि ग्रे शेड निभाने के बाद भी इतना प्यार मिले ऐसा बहुत कम होता है, मतलब विलन को ऑडियंस इतना पसंद कभी करती नहीं है जितना आपको किया है। एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि जो किरदार मैंने निभाया था वो एक्चुअली विलेन नहीं था. ग्रेट, वो ग्रे शेड डेफिनेटली था, विलेन यस तो नहीं ग्रेट, था. ही वॉज और उसकी सिर्फ एक ही चीज जो थी वो ग्रे शेड में जाती थी, वो ये थी कि वो अपनी वाइफ को काम नहीं करने देना चाह रहा था. वो चाहता था कि वो घर संभाले और वो खुद जो है वो पैसा कमाए और फैमिली का पालन पोषण करे अपने पैसे से. तो उसका यही ग्रे शेड था. अदर देन दैट तो आई थिंक ही वॉज अ वेरी वेरी अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, अ मैन हु सॉर्ट ऑफ डेडिकेटेड हिज लाइफ टू हिज फैमिली, जो अपने बच्चों के लिए अपने माँ बाप के लिए ही जी रहा था. और इनफैक्ट शुरू में हमने ये भी दिखाया था कि जब उसको पहली बार एक 5 लाख रुपए का चेक मिलता है इंक्रीमेंट के तौर पे, तो वो सबसे पहले आके अपने घर की लक्ष्मी के हाथ में, अनुपमा के हाथ में ला के देता है वो चेक. यस तो ही हैड ऑल दोज फैंटेस्टिक क्वालिटीज. बट आई थिंक बिकॉज इतना कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था उसका, तो अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग तरह रिएक्ट कर जाता था, और वो वही उसकी कमजोरी होती थी मेरे हिसाब से. मैंने अगर मैं गलत नहीं तो वनराज जैसा बेटा नहीं है। बिल्कुल 100% एब्सोल्युटली. मेरे ख्याल से उससे ज्यादा डेडिकेटेड बेटा जो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो हर चीज अपने सिर्फ माँ बाप को ध्यान में रख के करता है, और अपने माँ हाँ बाप की इतनी इज्जत की वो कोई भी उनसे अगर ऊंची आवाज में बात कर देता था तो उसका उसकी तीसरी आंख खुली जाती थी. तो डेफिनेटली वनराज वॉज अ वेरी 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 गुड सन. या तो शो छोड़ने के बाद आप एपिसोड कितना फॉलो कर रहे हैं? जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या हाँ यस, जी. शो छोड़ने के बाद कितना फॉलो कर रहे हैं शो? नहीं, शो तो मैंने वैसे भी पिछले 2 साल से नहीं देखा था. मैं शो देखता नहीं था. मैं सिर्फ शूट करता था, अपना काम करता था, और बाकी अपनी जो रोजमर्रा की चीजें वो करता था. और जब मुझे वक्त मिलता था तो मैं या तो नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम या कोई भी एक ओटीटी चैनल लगा के उस पर कुछ ना कुछ देखता था. टेलीविजन पर से मैं शुरू से ही नहीं देखता था. बहुत, मतलब आज से 20 साल पहले देखा करते थे, लेकिन उसके बाद से टेलीविजन देखना बहुत ना के बराबर हो गया. तो मैंने अपना खुद का शो भी करीब 2 साल से नहीं देखा. ओके, तो अब जी कई बार इंस्टा पे होते हैं, कुछ रील्स में कुछ आ जाए तो ऐसा लगता है उस सेट को मिस कर रहे हैं आप। नहीं, वैसे मिस तो मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ, बिकॉज अपने को एक्टर्स को कर रहा हूँ. अपने जो मेरे जो जो यंगस्टर्स थे, जो यंग कास्ट मेंबर्स थे, पाकी है, डिम्पी है, गौरव शर्मा जो तोशु तो प्ले कर रहा है वो है, बाबा बापू जी हैं, इन सबको तो या डेफिनेटली बहुत मिस करता हूँ, बिकॉज ये लोग हमेशा मेरे साथ रहते थे ज्यादातर. तो डेफिनेटली आई मिस ऑल द लाफ्टर्स एंड ऑल द बदमाशी दैट यूज टू हैपन ऑन द सेट. हंसी मजाक वो सब चीजें मैं मिस तो कर ही रहा हूँ. वो तो ह्यूमन चीज है कि आप एक माहौल में रहे हो इतने साल तक और आपने इतने इतने मजे से काम किया हो, तो वो तो मेरे ख्याल से एक स्वाभाविक चीज है कि आप थोड़ा तो मिस करें. सेट पे कितने लोग मिस कर रहे हैं और आपको रोज फोन कर करके परेशान कर रहे हैं? मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, सबके आते रहते हैं, और कभी कभी बीच में वो लोग वीडियो कॉल भी कर देते हैं और कहते हैं कि वी आर मिसिंग यू सर एंड ऑल दैट स्टफ. ऐसे मुंह बच्चों जैसा बना के बोलते हैं. और तोशु भी मुझे मैसेज करता रहता है कि सर आई मिस योर यू नो वॉर्म हग एवरी डे. तो ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो मिसिंग मी, बट लाइक आई सेड इट इज ओनली नेचुरल दैट दे विल मिस मी, बिकॉज वी हैड सच अ ग्रेट बॉन्ड ऑन सेट एंड यू नो सच गुड हाँ, टाइम. यही एक बड़ी अचीवमेंट होती है कि हम मिस करें उससे ज्यादा जहां हमने काम किया है वहां पे हमें कितना मिस किया जा रहा है, राइट? जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. राजन सर का क्या रिएक्शन है? क्योंकि ना मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंसेस होंगे, लेकिन
क्या आपकी बात हुई क्या उनसे इसके बाद, जाने के बाद, या उन्होंने आपको नहीं बोला? नहीं हमारी बात उसके बाद तो नहीं हुई है, क्योंकि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिसीजन लिया था मैंने। उससे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो उसको समझा उन्होंने बहुत अच्छी तरह से। और क्योंकि मैं उनसे बहुत रेगुलर बेस पे डिस्कशंस करता था, चाहे वो क्रिएटिव हो, चाहे स्टोरी को लेके हो, चाहे मेरे कैरेक्टर को लेके हो, कोई भी डाउट होता था या कुछ मुझे अगर आइडिया देना होता तो मैं हमेशा राजन को फोन करता ही था। और राजन मेरे लिए प्रोड्यूसर नहीं था, मेरे लिए तो मित्र भाई जैसा था, क्योंकि इतना पुराना हमारा रिलेशनशिप है। तो ये भी जो मंथन था बहुत समय से चल रहा था, डिसीजन तो हम लोग एक पॉइंट पे आके लेते हैं, बट ये मंथन काफी टाइम से चल ही रहा था मेरे दिमाग में कि 4 साल हो गए हैं, 4 साल मैंने इस किरदार को बहुत कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, और अब इससे पहले कि उसका डिक्लाइन शुरू हो, कि मैं बोरिंग होने लगूं एज अ कैरेक्टर, मुझे लगता है कि मुझे अब अलग हो जाना चाहिए, ताकि हम कुछ और कर सकें और अच्छी यादों के साथ छोड़ के जाएं अपने शो को। सुधांशु शो में लीप आते थे 6 महीना, 4 साल, 2 साल, लेकिन सुधांशु वनराज वैसा का वैसा दिखता था। मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट तो आपको हमेशा मिले होंगे। आपके लुक में चेंज होते थे, लेकिन आप हमेशा एकदम परफेक्ट यंग, मतलब फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज डिसिप्लिन है, मैं यही कहूंगा कि मेरा डिसिप्लिन जो है वही मेरी फिटनेस का राज है, क्योंकि मैं हर चीज बहुत मॉडरेशन में करता हूँ, और अपनी हेल्थ का मैं जितना ध्यान रख सकता हूँ मैं रखता हूँ। वैसे तो हर इंसान की की जो जिंदगी होती है वो भगवान के हाथ में ही है, भगवान ने दी है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि भगवान ने जो आपको गिफ्ट ऑफ लाइफ दी है आप उसको सीरियसली लें, और अपने आप का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने मन का, मानसिक जो आपकी जो स्थिति होती है उसका ध्यान रखें। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक बैलेंस बना के चल सकते हैं। और फिटनेस जो है वो फिजिकल और मेंटल दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, तो दोनों का ही फिट रहना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मुझे लगता है डिसिप्लिन सबसे पहले आता है। जब आपने शो के लिए मना किया, तो उसके बाद आपके जहन में ये था कि मैं राजन को इतने साल से जानता हूँ, शो का एक अहम कैरेक्टर है, कौन इसको मैं रिप्लेस शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि कभी भी कोई किसी को मुझे नहीं लगता शायद रिप्लेस कर सके, कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा इस कैरेक्टर को? आपके जहन में किसी का नाम था? नहीं, ये इस बात का डिस्कशन नहीं हुआ मुझे, और ये मुझे लगता है कि मेरी तरफ से ये चीज सजेस्ट करना मुझे लगता नहीं है कि वो जरूरी था भी, क्योंकि राजन खुद एक क्रिएटिव आदमी है, डायरेक्टर रह चुके हैं, और प्रोड्यूसर तो बहुत बाद में बने। तो राजन इनफैक्ट तब से मैं जानता हूँ जब से वो डायरेक्टर बन रहा था, और मैं ऑलरेडी एक्टर था, हम लोगों ने साथ में तब काम किया 2-3 बार, और बड़े अच्छे काम किए। भट्ट साहब प्रोड्यूसर थे, राजन डायरेक्टर था, मैं एक्टर था, और फिर राजन ने एक पायलट बनाया था, उसका भी मैं हीरो था। तो हमने काम बहुत पहले किया हुआ है साथ में, तो मुझे लगता है कि जैसे उसने मुझे मेरे बारे में सोचा था जब शुरू में, और उसने मुझे कहा था कि यार भाई मुझे नहीं लगता है, मतलब मैं और किसी को सोच ही नहीं पा, देख ही नहीं पा रहा हूँ इस कैरेक्टर में, तो यही बोल के उसने मुझे अप्रोच किया था। तो मुझे लगता है आगे भी वो आई एम श्योर ही विल मैनेज टू फिगर समथिंग आउट, हुएवर इफ दे आर प्लानिंग टू गेट अनदर वनराज, आई गेस दे विल डू देयर होमवर्क एंड देन दे विल गेट इट, एंड दे नो बेस्ट, बिकॉज इट्स अ क्रिएटिव कॉल, एंड दे आर क्रिएटिव पीपल एंड देव बिन रनिंग सक्सेसफुल शो, सो आई एम श्योर दे विल बी एबल टू डू समथिंग वेल। किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, मतलब किसी भी तरफ से। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपकी जर्नी देखूं तो 2001 बैंड ऑफ बॉयज, मतलब उस समय बैंड होना अपने टू आप में थाउजेंड एक, टू 2002, ओके, मैं एक हाँ साल थोड़ा पीछे चली हाँ गई तो उस समय बैंड होना, पॉप बैंड होना बहुत बड़ी बात थी, मतलब ट्रेंड में था। उस समय आपने उस बैंड को छोड़ के एक नई जर्नी शुरू की, फिर अब टीआरपी में नंबर 1 शो था, उसको भी क्विट कर दिया, तो आप रिस्क लेने से कतराते बिल्कुल नहीं है। जी, मैंने जीवन में हमेशा रिस्क लिए, और मुझे लगता है कि बिना रिस्क लिए आप जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। और मुझे लगता है जब आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं या कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो उससे ज्यादा डेंजरस कोई चीज नहीं है किसी भी इंसान के लिए।
क्योंकि जहां आदमी कंफर्टेबल हो गया वहां पे आपकी ग्रोथ हमेशा के लिए रुक जाती है। तो इसलिए कभी भी आप अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, कभी भी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं होने देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपके अंदर एक डिस्कम्फर्ट है, जब तक आपके अंदर एक अब क्या करूं वाली एक एक सोच है और अब क्या करना चाहिए वाली सोच है, और कोई ना कोई एक मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसा टारगेट होना चाहिए हर कलाकार, क्योंकि हम लोग क्रिएटिव फील्ड में मुझे लगता है हमेशा एक कुछ अनरियलिस्टिक हम लोग को टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि जब तक वो अनरियलिस्टिक टारगेट हम लोग अचीव करने की कोशिश नहीं करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि कुछ मैजिक क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सोच के रखना चाहिए जो आपको लगे कि यार ये है तो अनरियल, लेकिन कोशिश करते हैं तभी वो कोशिश, मैजिक। हाँ, लेकिन करना चाहिए, हाँ क्योंकि तभी आदमी मैजिक क्रिएट कर पाता है। यू नो, अगर आप चांद तक छलांग मारने की कोशिश करेंगे तभी तो आप कुछ नहीं तो कम से कम 2 माले तक की तो छलांग लगा ही लेंगे। ट्रू तो ट्रू, इसीलिए हमेशा सोच ऐसी रखनी चाहिए, और कभी भी मुझे लग रहा है कंफर्ट स्पेस, जो कंफर्टेबल स्पेस होता है वो बहुत डेंजरस होता है, मुझे ऐसा लगता है। आप वापसी से भी नहीं कतराते, आपने वापस से जो है बैंड ऑफ बॉयज ज्वाइन किया अभी, हाँ, राइट? अब क्योंकि 2 डेकेड्स के बाद अब मैंने यू नो हम लोग रियूनाइट हुए, करण ने मुझे एक बार फोन किया था, उसने बोला कि एक बार मिलते हैं, चिंटू से भी मेरी बात हुई, तो हमने कहा चलो यार लेट्स मीट एंड लेट्स सी वेयर इट गोज। तो हम लोग मिले, और मिलने के बाद हम लोगों ने सब बैठ के खाया पिया, और बाद में हमने सोचा कि चलो यार एक रील डाल देते हैं, एक गाना गाते हैं, एक ऐसी एकापेला वर्जन जो है गोरी का गा के हम लोग उसको इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। अब हमने वो इंस्टाग्राम पे जो डाला तो वो इतना ज्यादा वायरल हुआ, इतना ज्यादा वायरल हुआ कि मुझे लग रहा है इट वेंट कंप्लीटली क्रेजी। मुझे अच्छे अच्छे म्यूजिक वीडियोस का इतना रीच नहीं जाता जितना उसका चला गया था। तो इट वाज अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो वो जब वायरल हुआ तो हम लोग को ये लगा कि यार मुझे लगता है ये सही समय है, और लोग सच में अभी भी हमको उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले ट्रू, मिला था हम लोग को। तो लेट्स गिव इट अ गो नाउ एंड लेट्स डू इट प्रॉपरली, लेट्स पुट अ स्ट्रक्चर टू इट एंड लेट्स गो अहेड। और इसी बीच में हमको व्हाइट हिल ने अप्रोच भी किया, दे वांटेड टू यू नो प्रोड्यूस द एल्बम फॉर अस, और उसके बाद फिर उन्होंने यू नो दे प्रोड्यूस दिस एल्बम, द फर्स्ट वन, द ऑडियो इज आउट एंड इट्स द सॉन्ग्स आर डूइंग वेल, एंड अभी हमारा एक वीडियो रिलीज हो गया है, दूसरा आने वाला है, फिर तीसरा आने वाला है एक के बाद एक। सो एंड वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द सेकेंड एल्बम। सो या सो थैंकफुली एवरीथिंग इज गोइंग गुड। या तो कभी अनुपमा में वापसी कभी सोचा तो ऐसे ही चले जाएंगे? नहीं, अनुपमा में वापसी करना जरा मुश्किल है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो कहानी पे निर्धारित है। बैंड ऑफ बॉयज तो म्यूजिक है, तो म्यूजिक में तो आप कभी भी कब कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कहानी में आप कहीं से शुरू नहीं कर सकते। कहानी का एक एक सूत्र होता है, एक धागा होता है, और वो एक दिशा में जाता है, तो उसमें वापस आने का तो कोई चांस नहीं है। पर डेफिनेटली म्यूजिक में बहुत कुछ हम लोग करते रहेंगे, और इसके अलावा जो सुधांशु पांडे एज एन एक्टर बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ करने वाला भी है, तो आई एम श्योर देर विल बी अ लॉट ऑफ ग्रेटर एंड बेटर थिंग्स अहेड दैट यू नो एज अ कैरेक्टर आई विल बी डूइंग इन लाइफ। सुधांशु, जब आपने ये शो छोड़ा तो आपके दिमाग में था अब मुझे यही करना है, या कुछ नहीं था और आपने कहा कि नहीं अभी मुझे ये तो नहीं करना है, मैं अपने आप अपने लिए रास्ते खोजूंगा? क्योंकि ये सबसे बड़ी कश्मकश होती है, कभी भी आप किसी चीज को छोड़ के जब आगे बढ़ते हैं तो यही चीज आपको रोकती है कि मेरे हाथ में कुछ है या मैं ढूंढूंगा रास्ता? नहीं, मेरे हाथ में कुछ है तो डेफिनेटली, अपार्ट फ्रॉम माय बैंड ऑफ बॉयज देयर इज सम अदर थिंग आल्सो दैट आई एम डूइंग, बट इसके अलावा भी मुझे लगता नहीं है कि मैं रुकने वाला हूँ। आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट विल हैपन इन द वेरी नियर यस, फ्यूचर, बट आई ऑलरेडी हैव समथिंग व्हिच आई हैव टू फर्स्ट स्टार्ट शूटिंग एंड फिनिश दैट, एंड देन आई विल गेट ऑन टू अनदर, गेट ऑन बोर्ड विद अदर थिंग्स वेरी वेरी सून। रियलिटी शो को लेकर आपका नाम सामने आ रहा है, आप रियलिटी शो को लेकर इंटरेस्टेड हैं इस स्टेज पर? रियलिटी शो तो मैं नहीं करूंगा कभी भी। मुझे बहुत सारे पूरी दुनिया ने पूछा कि आपका नाम बिग बॉस के लिए आ रहा था, तो मैंने बोला कि अरे बाप रे, बिग बॉस, ट्रेटर्स, खतरों के खिलाड़ी, इसलिए मैंने सीधा रियलिटी शो पूछा कि इतने रियलिटी शोज हैं कि सबके लिए आपका नाम चल रहा है अब तो।
नहीं रियलिटी शो नहीं, गेम शो डेफिनेटली, गेम शोज आर डिफरेंट देन रियलिटी शोज। तो बिग बॉस तो रियलिटी शो है, और वो रियलिटी शो जो है वो बहुत एक ऐसे स्पेस में है जो मुझे लगता है कि मेरे जैसे एक्टर के लिए वो जगह है नहीं, क्योंकि आई हैव बीन अराउंड फॉर वे टू लॉन्ग एंड आई यू नो आई थिंक आई हैव विद 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 अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ गुडविल आई हैव अर्नड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द इंडस्ट्री एंड आई डोंट थिंक आई कैन पुट इट एट स्टेक बाय एंटरिंग इन अ स्पेस लाइक बिग बॉस बिकॉज इट्स अ वेरी वॉयरिस्टिक शो, इट्स अ वेरी प्लेस filled with negativity inside and there are always fights and this and that. So that is not a place meant for any actor like me. It is okay for somebody who's an outsider or newcomers or people who haven't done anything. You know, it is okay for them to you know to be on that platform, but not for somebody like me for sure. मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं जानना चाहूंगी कि आप सबसे ज्यादा किसको मिस कर रहे हैं, किस कैरेक्टर को सेट पे से, जिसके साथ आपका मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड था। मैंने जो आपको पहले बताए थे नाम, वो सब लोगों को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, सब लोगों को। ओके तो तो बा बापू जी हो गए, और डिम्पी हो गई, पार्थी हो शुरू गई, तोशु हो गया, इन सब के साथ मेरा रोज, और अपना ये टीटू भी, यू नो सो यू नो कुंवर, आई आई मिस हिम आल्सो बिकॉज वी यूज्ड टू बी सिटिंग टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड हैविंग अ ग्रेट लाफ, यू नो सो एंड अदर्स आल्सो, बट या एसेंशियली दीस पीपल। ओके तो जो फैंस आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उनको क्या कहना चाहेंगे आखिर में? उन फैंस को मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले तो आप, आई एम श्योर आप लोगों ने मेरा गाना देखा होगा, और उस हमारे एल्बम को, म्यूजिक को आप जरूर अपना प्यार देते रहिएगा, और मेरा ये प्रॉमिस है कि जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है फॉर वनराज, मैं आप लोगों को कभी लेट डाउन नहीं करूंगा, और अगली बार जब भी कुछ ऐसा करूंगा या कुछ लेके आऊंगा तो वो ऐसा ही होगा कि आप लोग फिर से जो है बहुत मुझ पर गर्व करेंगे, और आगे भी इसी तरह से मैं अच्छे और इससे भी बेहतर किरदार निभाता रहूं। थैंक थैंक यू सुधांशु हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। यू सो मच ना, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स।